हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लाइंग फैशन एंड व्लॉग्स। एंड गाइस, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्वीट सी वीडियो शेयर कर रही हूँ। जी हाँ गाइस, ये है लड्डू रेसिपी वीडियो। और ये लड्डू रेसिपी मेरा नहीं है, ये है मेरी मम्मी का एक बहुत ही स्वीट सा सीक्रेट। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं और मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आपका मीठा खाने का मन है तो आप चुटकियों में ये लड्डू बना सकते हैं और इतने टेस्टी और इतने हेल्दी होते हैं कि आपका बार बार खाने का मन करेगा। तो चलिए देखते हैं कि मम्मी ये लड्डू कैसे बनाती हैं और मम्मी से ही मैं पूछूंगी कि उन्होंने कितनी मात्रा में कितनी चीज़ों को कैसे कैसे मिक्स किया है और कैसे इसको बनाया है। तो चलिए चलते हैं मम्मी के पास और देखते हैं कि उनके स्वीट से लड्डू कैसे वो बनाती हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं गाइस, बिलीव मी, एक बार आप बनाइए, खाइए और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिए। एंड गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को भर भर के लाइक कीजिए। लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है आपके लिए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो बना के लेके आने का। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो, देखते हैं कि मम्मी कैसे बनाती हैं ये लड्डू। ये है मनभावन लड्डू, जिन्हें बनाने के लिए ज़रूरत है इसमें पहला मावा या खोया, दूसरा है नारियल पाउडर जो आपको आसानी से किसी भी किराना स्टोर से मिल जाएगा, और तीसरी सामग्री है बूरा जो आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएगा। इन तीनों चीज़ों के साथ जो हमें चौथी चीज़ मिलानी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची को हम काली इलायची भी कहते हैं। ये कम से कम 10-12 इलायची अच्छे से पीस लेनी है, इनका पाउडर बना लेना है। तो ये है हमारी चारों चीज़ें, खोया या मावा, नारियल पाउडर, बूरा और बड़ी काली इलायची, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट बना देती हैं हमारे लड्डू का। अब देखते हैं आगे का प्रोसीजर क्या है। लड्डू बनाने के लिए पहले हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन। अब इसमें डालेंगे मावा, 1 किलो मावा, 1/2 किलो नारियल पाउडर। नारियल पाउडर के बराबर ही हम डालेंगे इसमें बूरा। बूरा अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें चौथी चीज़, इलायची पाउडर। इलायची पाउडर की खुशबू से लड्डुओं का स्वाद बढ़ जाता है और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये लड्डू बहुत ही आसानी से 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। जैसा कि इनका नाम है मनभावन लड्डू, ये सच में भी मन को भाने वाले लड्डू हैं। लड्डू आपने बहुत खाए होंगे, शायद मनभावन जैसा लड्डू नहीं खाया होगा। आप एक बार इनको बनाइए, खुद भी खाइए और अपने परिवार वालों को भी खिलाइए। लड्डू बार बार खाने का मन जरूर करेगा। हमारे बच्चों को तो ये लड्डू बहुत ही पसंद है। बच्चों की फरमाइश पर ये लड्डू हमारे घर में बनते ही रहते हैं। जो भी खाता है वो इसका स्वाद नहीं भूल पाता। तो आप लड्डू बनाइए, खाइए और इसके बाद बताना आपको कैसे लगे। सच में गाइस, बहुत ही टेस्टी लड्डू है ये मनभावन लड्डू, जैसा कि नाम है मन को भाने वाले लड्डू। मैं तो जब भी आती हूँ मेरी तो यही फरमाइश रहती है मम्मी से कि मनभावन लड्डू बनाओ, और मेरे आने से पहले ही ना मम्मी इनको बना के रखती है। हम तीनों भाई बहनों की ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है, जो भी इनको खाता है ना उसके स्वाद को नहीं भूल पाता। एक तो लड्डू और दूसरा वो माँ के हाथ के बने हुए हो तो स्वाद उनका दुगना हो ही जाता है। जब ऐसे हाथ में लड्डू बनने लगे तब तक हमें इसे मिक्स करना है। मिक्स करके हम इसके गोल गोल लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के बाद हम इसे नारियल पाउडर में डालकर इसे कवर करेंगे। तो ये हो गए हमारे लड्डू तैयार। ये लड्डू आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। सो गाइज, ये थी मेरे मनभावन लड्डू की रेसिपी जो कि मम्मी बनाती है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, हेल्दी भी है क्योंकि सारी ही चीज़ें इसमें होममेड है। कुछ भी ऐसा नहीं है, मावा या खोया जिसे हम बोलते हैं, आप उसको घर पर भी बना सकते हैं दूध से या फिर आप उसे मार्केट से ले सकते हैं।
और जो हमने इसमें काली इलायची या जो जिसे हम बड़ी इलायची भी बोलते हैं वो डाली है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है और लड्डू के स्वाद को तो जैसा मम्मी ने बताया दुगना कर ही देती है। तो गाइज ये लड्डू आप बनाइए, खाइए, खिलाइए और उसके बाद मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये लड्डू रेसिपी कैसी लगी, मन भावन लड्डू रेसिपी। जी हाँ गाइज, जैसा नाम है वैसा ही इन लड्डुओं का काम भी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना, भर भर के लाइक करना क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के लेके आने का। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए बेल वाले आइकन के साथ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, जिसमें मेरे कुछ व्लॉग होते हैं, DIY, स्किन केयर प्रोडक्ट रिव्यू तो होते ही होते हैं, साथ में मैं कुछ रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि एकदम से डिफरेंट होती है। और आज वाली रेसिपी तो गाइस मैं बोलूँगी आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए, खिलाइए और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, मुझे आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने साथ अपनों का रखिए ख्याल। बाय बाय।